हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम जा रहे हैं चेरी ब्लॉसम देखने। वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री है जो कि का यू नो हार्डली एक हफ्ते के लिए उसके फ्लावर्स जो है ना वो ब्लॉसम करते हैं और फिर वो पूरा उसका फॉल आ जाता है। तो वही देखने जा रहे हैं आज। और लास्ट 3-4 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चार्जिंग सॉकेट्स का इशू हो रहा है, जिस वजह से मेरे जो लैपटॉप्स हैं, दो लैपटॉप है सारे में, किसी में भी चार्ज बैटरी नहीं है, तो ना एडिट हो पा रही है ना अपलोड हो पा रही है। तो सून आई विल ट्राई कि वीडियोस पोस्ट हो जाएं एंड मे बी मारुति 800 स्वीडन की मारुति 800। दूसरी चीज़ जो ये है कि आ जाना यहाँ पे फर्स्ट में इज सेलिब्रेटेड एज लेबर डे। तो एक्चुअली में मोस्टली काफ़ी चीज़ें बंद है और पब्लिक जो है ना वो अपना वेकेशन एंजॉय कर रही है, तो आज थोड़ी पब्लिक वाइज भीड़ मिलेगी। चलिए फिर देखते हैं आगे। खाली मेट्रो के बाद ट्रेन के सबके को बड़ा मैप हुई पर जो मेट्रो में बहुत अजीब लगी था इतना इतना कंट्री शांत। ओके आई एम फॉलोइंग यू ये कौन स्टेशन पर दीदी कथी बोल रहे टी सेंट्रल टी सेंट्रल सिटी सेंटर बहुत भीड़ बाबे यहाँ अचानक से पब्लिक बहुत कैसे आ गया। ओ दे हैव बाइक। हाँ आज बहुत ज्यादा दिख गए बाइक वाइक तो बहुत महंगा हुई तो एक मिला यहाँ बाइक लग्जूरियस हमनी के गरीबी हो गया।
सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग इतनी अलग अलग है ना, कल्चर का स्पेलिंग है KULTUR, कुलतूर, कुलतूर, बहुत अलग अलग है यार। बहुत ज़्यादा अचानक से है ना, ऐसा लग रहा है स्वीडन में हम कहाँ आ गए। बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, सडनली बहुत ज़्यादा भीड़ है, अचानक से इतने सारे लोग हो गए ना। एंड मे बी आज वो फर्स्ट मे के वजह से, जो लेबर डे है ना उसके वजह से भी। ट्रैफिक, ट्रैफिक या लोगों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ सिटी सेंटर, यानी लिटरली वो दिल्ली वाली फीलिंग आ गई है। बैठ गए, व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है, आप सारे साइड पे है ना ये चेरी ब्लॉसम देख सकेंगे। तो फाइनली हम यहाँ से निकले, चेरी ब्लॉसम जो ये साइड था यहाँ से निकले, अब हम जा रहे हैं मे बी कोई रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। भूख लगी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब मैंने पहले भी कहा ना कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, सीम्स हॉलीडे की वजह से ज़्यादा क्राउडेड है। हार्डली यार इसमें से कोई भी एक ब्रांड होगा जो इंडिया में हमने देखा होगा। दीदी इंडियन सॉन्ग बा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। भाई यहाँ पे कहीं तो स्पैनिश एंड देन दैट विल बी टेकन इन इंडिया। ओके द गाय इन द टॉयलेट, या यू शुड क्लिक दैट वन, हम वही वाला बोले थे तोरा के सती। व्हाट इज ही डूइंग इन द टॉयलेट? Eating shit food.
ए अच्छी छी नो 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 वी डोंट गो इनसाइड Pasta will go later. It's not fun to see poop. What fun does it make? Who cares? Who cares? I care. Zara. हाँ भाई एक ब्रांड दिखा जो इंडिया में भी होगा मे बी वो है Zara. ये भाई एक सॉन्ग बजा रहे हैं काफी अच्छा ये थे भाई जो आई गेस हमारे इंडिया में सॉन्ग है उसका एक स्पैनिश वर्जन भी है मतलब इंडियन जो मूवी में सॉन्ग लिया है वो स्पैनिश वर्जन लिया है तो वही वो लाइव प्ले कर रहे हैं This one is yours, right? Yeah, that's और ये मैंने और स्वाति ने ऑर्डर किया है और ये हम तीनों का सेम है ऑर्डर हाँ आस्था को छोड़ के हम तीनों का सेम है ऑर्डर मतलब इसका तुम्हारा मेरा और दीदी का राइट हाँ क्योंकि यहाँ पे जनरली ऑप्शंस समझ में नहीं आते ना क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर है और दूसरा वेज और नॉन वेज का इशू है तो जनरली है ना हम एक ही चीज़ पूछते हैं वेज है और फिर हम वो चीज़ ऑर्डर कर दे रहे हैं करते तो इसके लिए ये रिस्की है तो जनरली हम लोग वेज ही प्रेफर करते हैं रास्ता का तो खाना स्टार्ट भी हो गया हाउ इज इट टेस्टी Don't eat the paper thing. Guys, बस अब हम जस्ट कैफे से निकले और वापस वॉकिंग चालू है अब हम मेट्रो स्टेशन जाएंगे वहाँ से मेट्रो लेंगे एंड मे बी मोस्टली अब घर ही जाएंगे क्योंकि इट्स 7 o'clock और ये यहाँ पे आपको है ना ऐसा वो बेसिकली फील वो नहीं होगा कि इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग आप देखिए ये है ना ऐसा यहाँ पे टिल 9 o'clock 10 o'clock तक है ना यहाँ पे जो वेदर है वो ऐसा ही रहेगा सो बेसिकली इट इज़ लाइक कि जो वेदर है सनसेट है यहाँ पे वो काफ़ी लेट होता है तो बस इसके लिए है ना यहाँ पे
जिससे फर्स्ट डे हम आए थे ना, तो हम शाम को यहाँ पे 6 o'clock पहुँचे थे। फिर बात करते करते पता ही नहीं चला था कि रात के है ना 10 बज गए थे, क्योंकि 9:30 को इट वॉज लाइक कि इवनिंग के 6:30 हो रहे हैं इंडिया के। ठीक है, यही है, अभी चल रहे हैं। लेट्स सी।